हम यूज करेंगे ये स्प्रेड टूल। वो कहते हैं सर सिंबल, यहाँ जब आप क्लिक करते हैं वो कहते हैं प्लीज सिलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम अ सिंबल पैनल। ये सिंबल पैनल है, यहाँ से वो कहते हैं कुछ सिंबल जो है वो सिलेक्ट करें। मसलन यहाँ से हमारे पास कौन सा सिंबल है, ये एक सिंबल है। अगर मैं आप स्प्रे टूल से जाकर स्प्रे को सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करके ऐसे दबाता हूँ तो ये सिंबल इसके ऊपर जी, इसके ऊपर ये सिंबल्स लगना शुरू होगा। अगर मैं इस सिंबल को लेता हूँ तो ये वाला सिंबल इसमें इंसर्टिंग शुरू हो जाएगी। अगर मैं ये ऊपर क्लिक किए रखता हूँ तो उसके इर्द गिर्द उसने फैलाना शुरू कर दिया। ये सिंबल ले लें, ये तो चंद एक सिंबल्स हैं, क्या हमारे पास और सिंबल्स हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम अपने सिंबल बना सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्टार ले लेता हूँ, तो मैंने एक स्टार ले लिया। इस स्टार के अंदर मैं कलर कोई कर देता हूँ ग्रेडियंट कलर, ठीक है, आगे समझ जस्ट ओनली एक रेड ले लें, बल्कि ग्रेडियंट में ही हम लेते हैं। ग्रेडियंट में हम ये वाला कर लेते हैं, ग्रेडियंट आपको समझा दिया और हैं, ग्रेडियंट समझाया हुआ ना, इसमें हम मल्टी कलर चूज कर सकते हैं। अच्छा सा स्टाइल का है ना। अगर सिंबल्स में हम जाते और ड्रैग करके यहाँ पर रखा और वो आ गया, हम और भी सिंबल बना देंगे, ठीक है। अब ये बन चुका है। अब अगर मैं स्प्रे पर जाता हूँ या मैं स्टार पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे ये वाला स्टार बनने शुरू हो गए। हमें कोई एक शेप मुसलसल बनानी है तो उसके लिए हम सिंबल बना लें और स्प्रे के साथ ऐसे उसको स्प्रे कर दें, उससे सिंबल आ जाएंगे, मैं बार बार ट्राई नहीं करना पड़ता और साइज भी सेम आएगा। अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया है और स्प्रे पर जाएं, ठीक है, सिंपल शिफ्ट है। जैसा कि मैं अभी एक मिनट ठहरे यहाँ पर ही हूँ, अब मैं यहाँ पर जाकर सिंपल शिफ्ट है, ये सिंपल यहाँ शिफ्ट कर, इनको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ऐसे आप मूव कर सकते हैं, उसके बाद है हमारे पास ये सिंबल स्क्रंचर है। स्क्रंचर क्या चीज है, सिंबल को लेने साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको, सिंपल शिफ्ट है। अगर पहले मेरी ये सिलेक्शन हुई, एक सिंबल को लेकर जा रहा था ज्यादा बन गया, मैं जो लास्ट सिंबल ऊपर है सिलेक्टेड उसके ऊपर काम सीसी में ज्यादा स्क्रंचर क्या काम है, ये इसी के ऊपर काम होगा, लास्ट के ऊपर ये स्क्रंचिंग करेगा, स्क्रंचिंग करती है पहले से मूव कर लें। इसके बाद हमारे पास है ये सिंबल साइजर, यार सारा
ज्यादा के ऊपर ये वर्क ही नहीं कर रहा, एक के ऊपर ही करेगा। सो हम एक ही लेते हैं, इसी के ऊपर हम शिफ्टर करते हैं, इसी के ऊपर हम स्क्रंचर करते हैं। ये देखिए स्क्रंचर में वो बाकी सारे वाली सिंबल्स को लाज उसके अंदर घुसेड़ लें, है ना। इसके बाद हम करते हैं जी स्पिनर, घूम गया स्पिन हो गया। इसके बाद हम करते हैं स्टेनर, स्टेनर का काम क्या है, यहां से आप कलर लें, मैंने ग्रीन कर ले दिया, ठीक है, ब्लू कलर ले लिया। तो स्टेनर का काम ये है कि ये जो मुझसे शेड हमने सेलेक्ट किए हुए हैं उन शेड से वो उसके ऊपर कर देगा, ठीक हो गया। स्टेनर लाल धब्बा, तो जी स्क्रीनर है इसको थोड़ा सा लाइट कर देगा, देख रहे हैं। और उसके बाद जी सिंपल स्टाइलर, हम इसके अंदर स्टाइल लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमें स्टाइल मिलेंगे। ये मैंने एक स्टाइल लिया, इसके ऊपर क्लिक किया, इसमें ये स्टाइल आ गया। अगर मैंने ये स्टाइल चूज किया और इसके ऊपर क्लिक किया, ये स्टाइल आ गया, इसमें ये स्टाइल आ गया। वो फेंट है तो लाइट सा आ रहा, तो डार्क सा आ रहा। मैंने स्टाइल ये चूज कर दिया, इसकी मदद से हम एक काम और कर सकते हैं। सिंबल्स के अंदर एक और सिंबल बनाते हैं, रोटेट के बटन पर जाके आर्ट का बटन दबा क्लिक करें, फिर इसको 45 डिग्री कह दें, ओके कह दें, 45 डिग्री पर मूव कर दें, टॉप सेलेक्शन लें, इसको पकड़ें, फिर थोड़ा सा यूं कर दें और इस सारे को पकड़ कर शिफ्ट का बटन दबा दें। मैं एक और सिंबल बना रहा हूँ, अब रोटेट टूल लें, यहाँ पर जा क्लिक करें, आर्ट का बटन दबा क्लिक करें और इसको हम क्या चाहते हैं, कितने होने चाहिए ये, 20 कर दें, 30 कर देते हैं, 30 को कॉपी ले लें, कंट्रोल डी, ठीक हो गया। अब एक्चुअली हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ ये क्या आ गया, कलर स्कीम आ रही है, सॉरी कलर यहाँ से लेंच, सारे को पकड़ कर ग्रुप कर लें और इसका एक डुप्लीकेट लें और उसको साइज कर लें लाल छोटा और उसको रखते हैं, ऐसा कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं ना। ये क्रिएटिविटी आप चूस वही, आप देखो कितना प्यारा फ्लावर बन गया यार, ठीक है। इसकी कलर स्कीम अगर येलो कर दें और इसकी कलर स्कीम ऐसे, ठीक है, ये पहले वाले ठीक था, सिंपल कलर ठीक था, है ना, ये ज़्यादा प्यार लग रहा है। इसको ग्रुप करें और इसको जाके जनाब छोटा कर, हो गया, क्या बात, बड़ी ज़बरदस्त ड्राइंग बन गई। इधर जाएं और इसको पकड़ कर जाकर इसमें आर्ट में जाकर छोड़ दें और इसका नाम क्या रखें, फ्लावर, और इसको ग्राफिक में ले लें और ओके कर, आ गए फ्लावर। अब जो इसको डिलीट कर दें, अब हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स की कलर स्कीम क्या दें जनाब, थोड़ी सी
ये लगा, ठीक हो गया। और लाइन इसको ऑफ कर दें और इसको फिर भी स्टार में दे दें, रिव्यू लें इसका, हो गया। नया पार्ट में जाएं, यहां से जाके इसकी साइड जाएंगे। ये हमारे पास फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के ऊपर हम ये वाला फ्लावर लगाना चाहते हैं। लग गया, यहां से साइड अगली आ गई, ये बैक साइड रेड कलर से जो चिन्ह करी, ये इधर वाली साइड जो हमें नजर नहीं आ रही, ये नीचे वाली साइड, ये इस साइड, इस साइड पे हम कौन सा लगाते हैं, इस साइड पे हम लगा देते हैं स्टार, ठीक है। सर भी लगा था और टॉप पर आ जाए, अब टॉप से तो आ गई रेड कलर में, टॉप पे भी हम ये स्टार, क्योंकि पीछे वाले भी वही लगाते हैं, तीनों तरफ अच्छा लगेगा। टॉप वाले जो है वो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इसको इसका तकरीबन सेंटर दे, थ्री चीजें बनती है ना, और ये वाला स्टार भी हम ये फ्लावर लगाते हैं और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर, नहीं बड़ा, ठीक है ना, इसे ना लोग ज्यादा करते, इसके बाद इसको ओके करें एंड ओके करें। नहीं जी, ये आपकी जबरदस्त एक शेड दे रहा है। थ्री डायमेंशन में हमने स्कीम्स को भी लगाया है, पैटर्न्स को भी लगाया है, स्टाइल्स को लगाया है, थ्री डायमेंशन में ये उसकी जो बैक साइड आ रही है उसके ऊपर आप अगर आप कलर करते हैं तो वो उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर आपने दोबारा फिर लगाना। एक फॉर्म बताओ लगाते हैं, नहीं चला वहां से फिर हमें दोबारा लेकर लिखना जबरदस्त होगी। ठीक है, मैंने चीजें बनानी आ गई, स्पिनर आ गया, वो टूल्स बनाना आ गई, इस तरह मुख्य सिंबल्स बनाकर अपने पास यहां पर ऐड कर सकते हैं। सिंबल्स ऑप्शन, न्यू सिंबल, जाकर आप फ्लावर टू जो भी है, जैसे इसको हमने चूज किया, सिलेक्ट किया होगा, मैं यहां पे कोड सिंबल बना देता हूं। कैसे सिंबल बनाए वैसे ही नहीं, अब मैं कुछ सिंबल बनाता हूं, ये वाला इसका कलर ग्रीन, हाँ ग्रीन कर देते हैं, और इसके आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। अब इस पर गए, यहाँ पे जाके आर्ट कोड में क्लिक किया, इसको मैं कर देता हूँ 90 डिग्री, कॉपी किया, कंट्रोल डी दबाया, इस सारे को सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए, इस पर क्या बात है, सर्कल ग्राफिक्स एंड ओके, ग्राफिक आ गया, या इसको ड्रैग करके यहाँ रखें तो भी आ जाए, और अब आप अगली किसी शेप के अंदर ये भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये काफ़ी सारे रिक्वायर्ड हैं तो आप जस्ट स्प्रे लें, सिंबल को चूज करें, साइज के जितना आपको चाहिए हो, और आप दबाए रखेंगे तो ये काफी सारे आ जाए। एक ही साइज के आपको बहुत सारी कॉपी चाहिए तो आप उस सिंबल को जस्ट जहां पर ड्रैग करो क्लिक करते हैं स्प्रे के साथ, आपका साइज आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है, बटन वही है, चीजें वही है, उसका अगर आपने दिमाग से इस्तेमाल करना है, मुझे यहां पर जाइए, यहां पर जाइए, सेम साइज है, कलर इनका बदलना बदल, आप बदल सकते हैं, स्प्रे पकड़े इसका, इधर गया स्टेनर, कलर लें ये वाला, सॉरी प्लीज सिलेक्ट अ सॉलिड फिल कलर, आउटलाइन को वो नहीं दे रहा हमें, ये फिल कलर में दे रहा, वो कहते हैं सॉलिड फिल कलर चाहिए, आउटलाइन पे नहीं, ये आउटलाइन पे बना हुआ, अगर इसको हमने फिल्म में बनाया था और आउटलाइन इसकी ना होती तो फिर ही आता।
हम क्यों ना एक फिल्म बनाए ऐसा स्टाइल बाय डिफॉल्ट आ जाता है। आउटलाइन इसकी ऑफ कर दें बल्कि ऑन रहने देते हैं, आउटलाइन ऑन रहने दें और आउटलाइन का कलर दे देते हैं पांच कर देते हैं, आउटलाइन और वाइट कर देते हैं पांच कर देते हैं, फिल जो है इसका वो हम देते हैं ब्लू, आउटलाइन पांच का भी है बढ़िया नहीं थोड़ी जोर का अच्छा लगेगा यार। हाँ अब देखिएगा उल्टे ऐसे आप उल्टे से जब मंगे लेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसको मैं कॉपी कर दूँ ठीक है, और ये जो टॉप पे आ रहा है वाइट ब्लू ऐसे रहने दूँ क्या, इसको वाइट कर दें अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, एक ये स्टाइल बन गया आउटलाइन के साथ। ग्रुप करें जनाब और इसको जाकर सिंबल्स में जाकर क्या देते हैं सर्कल 1 2 3 उठ जाओ सिंबल्स अपने में स्टेनर एक कलर स्कीम चेंज हो गई इसकी, ये वाला हाँ वो रहा है चूज से ठीक है एनफ बड़े बड़ी होगी।